नमस्कार साथियों, ये जूनियर इंजीनियर का पेपर लिया अपन ने मैकेनिकल का। अपने को क्वेश्चन आंसर की मिली, उसी से अपन ये पेपर सोल्व कर लेंगे, कोई बात नहीं। इसमें प्रश्न और आंसर दोनों हैं। तो ये था आपके आंसर पेपर फॉर द सिलेक्शन ऑफ पोस्ट जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल, पे बैंड 93,000 से 34,800, ग्रेड पे 4,200, रिटर्न टेस्ट हेल्ड ऑन 6/8/2020। तो ये आपके 6/8/2020 का है। तो चलिए साथ ही इसको सोल्व कर लेते हैं अपन। पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न आपके इसमें कर लेते हैं, एक मिनट। पहला प्रश्न है, LHB बिल का नया डाया कितना होता है? तो LHB बिल का 915 होता है और कंडम इसका 855 होता है। यदि ऑप्शन में 855 नहीं है तो 845 आएगा, 845 को मार दीजिएगा। ICF RCF की बात करें तो उसका भी 915 नए का होता है और कंडम का जो होता है वो आपके 825 होता है, 100 पीस साइज 837 होता है। तो ये दोनों को बता दिया है मैंने, ICF RCF का। नेक्स्ट है, DPT टेस्ट किसके लिए किया जाता है? तो DPT टेस्ट सरफेस के लिए किया जाता है और UST टेस्ट अल्ट्रासोनिक टेस्ट आंतरिक दरार के लिए किया जाता है और जाइग्लो टेस्ट बियरिंग के लिए किया जाता है, ध्यान रखिएगा। इंसिनेटर का प्रयोग कचरा जलाने में किया जाता है। LHB कोच का राइडिंग इंडेक्स 160 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड पर कितना है? तो ये 2.50 से 2.75 होता है, तो यहाँ आपके 2.75 दे दिया है इसमें। फिएट बोगी में प्राइमरी वर्टिकल डैम पर 4 होते हैं, सेकेंडरी 2 होते हैं, एक लेटरल होता है, 2 डैम पर होते हैं, मैंने सारे ही बता दिए हैं आपको। नेक्स्ट, LHB कोच की कोडल लाइफ इसमें 30 साल दे रखी है जो कि गलत है, अभी तक इसका कोई निर्धारण नहीं हुआ है। विश्व योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है, दिवस जरूर याद कर लीजिएगा साथियों, एक पर्सन दिवस का जरूर आएगा, तो 21 जून को होता है। बायोटैंक के एनारोबिक बैक्टीरिया का pH मान 6 से 9 होता है। रेल व्हील फैक्ट्री बेला में स्थित है, ध्यान रखिएगा साथियों। भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति जी होते हैं जो वर्तमान में रामनाथ कोविंद जी हैं। फास्फेटिंग ट्रीटमेंट किया जाता है जंग प्रतिरोधकता में किया जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आपके ICF AC कोच का AC एक्सल लोड कितना होता है? तो 16.25 होता है और नॉन AC का 13 टन होता है। LHB कोच में लगने वाली CBC का प्रकार है तो वो H प्रकार का लगता है LHB में। ICF कोच के एंकर लिंक की लंबाई 451 प्लस माइनस 1 होती है। ICF कोच के अलार्म टेस्टिंग का भार 7 से 10 kg होता है, 7 से 10 kg, ध्यान रखिएगा। ICF पर प्लंजर बना होता है तो वो कास्ट स्टील का बना होता है, ध्यान रखिएगा। कई प्रकार के कंपोजिट ब्रेक ब्लॉक का फ्रिक्शन कोफिशियंट है तो वो 0.25 है, ध्यान रखिएगा। डैशबोर्ड गाइड में प्रयुक्त होने वाला आयल है सर्वो लाइन 68 है, ध्यान रखिएगा। ICF को चुके वाटर टैंक की क्षमता 1800 लीटर होती है, इसमें गलत छाप रखा है, 1800 लीटर होती है, ध्यान रखिएगा। ICF कोच कंट्रोल रिजर्वायर की कैपेसिटी इसमें ये 9 लीटर गलत दे रखा है, 6 लीटर होती है, मैं आपको बता दूं साथियों, 6 लीटर होती है, चाहे वो गुड्स हो, चाहे LHB हो, चाहे ICF RCF हो। ICF कोच का बफर प्लंजर का फेज डाया 457 mm होता है, बिल्कुल करेक्ट। और कोच में निम्न में से न होना NTXR रिजेक्शन है तो वेंचुरी का न होना NTXR है। ICF कोच के रेवोल्यूशन की कार्य अवधि या जिसको अपन MLR बोलते हैं, मिड लाइफ रेलवे रिहेबिटेशन, तो ये 12 से 15 साल की होती है और इसको भोपाल वर्कशॉप में किया जाता है। वर्तमान में टॉयलेट प्रयुक्त होते हैं जो एस ट्रेप के होते हैं, पी ट्रेप के भी होते हैं, पहले पी ट्रेप के होते थे, वर्तमान में एस ट्रेप के हो रहे हैं। ICF कोच में आउटर एडी स्टॉक प्लेट की मोटाई 10 mm होती है आउटर की। ICF कोच के एक्सल बॉक्स में भरे जाने वाला ग्रीस लिथियम होता है, ध्यान रखिएगा साथियों। 27% आपके काम का नहीं है, वर्तमान में जोधपुर वर्कशॉप पहले, ये भी आपके काम का नहीं है, ये जोधपुर से संबंधित है तो आपका काम का नहीं है, नहीं है, ये भी आपका काम का नहीं है, कहाँ गए,
और वर्तमान में जोधपुर वर्कशॉप ग्रीन को किस सटेट ब्रॉन्ज है कंडम, चलिए छोड़िए इसको, कंडम करने में किस फोरम का उपयोग किया जाता है, DS8 का किया जाता है, WHO का मुख्यालय जेनेवा में है, LHB पावर कार का कोड पूछ लिया है जो कि LWRRM होता है, मैं बता रहा था पहले भी आपको, भारत में उपराष्ट्रपति कौन है, श्री एम वेंकैया नायडू है। बफर प्लंजर ट्यूब की दीवाल सीमा कितनी होती है, तो ये 6 mm होती है। आई शेप बोगी में स्प्रिंग का प्रयोग होता है प्राइमरी व सेकेंडरी स्टेज पर होता है, ध्यान रखिएगा। डबल एक्टिंग डोर ACCW सेकेंड AC में लगते हैं। स्टील में कार्बन प्रतिशत बढ़ने पर भंगुरता बढ़ती है। PL नंबर 8 अंकों का होता है, ध्यान रखिएगा। सेवानिवृत्ति लाभ ग्रेजुएटी है। और यहाँ पे आ गए आपके गणित के, आ गए तो गणित का आप कर सकते हैं, 1500 का 12% कितना है, 180 आएगा, आप कर सकते हैं इसको, बना सकते हैं। ये बोर्ड मास का, इसको भी बना सकते हैं, इसमें 15 आ जाएगा। झारखंड की राजधानी रांची है, ध्यान रखिएगा। रेल स्प्रिंग कारखाना ग्वालियर में है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। एक औरज की भुजा 5 मीटर है, तो भुजा गुणा बुढ़ा 25 हो जाएगी, ये बना सकते हैं। पास्कल की इकाई जो है वो प्रेशर की है, ध्यान रखिएगा साथियों। और कैमटेक स्थित है, वो ग्वालियर में स्थित है। कैमटेक कहाँ स्थित है, ग्वालियर में। कारखाने में अधिकतम इंस्टेंटिव कितना दिया जाता है, 50% दिया जाता है, ध्यान में रखिए साथियों। मैटरनिटी लीव कितने दिनों की मिलती है, 180 दिन की मिलती है, इसको आप 6 महीने या 26 सप्ताह भी बोल सकते हैं। रेलवे के संपूर्ण खर्च को कितने डिमांड में बांटा गया है, तो 16 में बांटा गया है। भारत के नागरिक को दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न है। तो ये 50 प्रश्न हो गए साथियों, 50 प्रश्न हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।